हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई बंगाली वेब सीरीज मधुशाला। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक गली से जहाँ पर कुछ लड़के सेलिब्रेट कर रहे थे। एक्चुअली उन्होंने कॉम्पिटिशन में बाजू की गली वालों को हराया था, लेकिन सब लोग एक घर के सामने आकर ही नाच रहे थे। ये घर तारक बंदा नाम के आदमी का है और वो घर से बाहर आकर सभी लड़कों को पीटने लगता है। एक्चुअली सभी लड़के तारक की पत्नी माऊ पर फिदा है। माऊ उस एरिया की सबसे मशहूर भाभी है और सभी लोग उस पर लट्टू है, और माऊ भी उन सबको फुल भाव देती है, जिसकी वजह से तारक उस पर गुस्सा करता है। तारक और माऊ की शादी को 5 साल हो गए और दोनों में बिल्कुल भी नहीं जमती। तारक की माँ हमेशा बीमार रहती है और वो चल फिर नहीं सकती, इसलिए हमेशा बेड पर ही लेटी रहती है। तारक को एक टूर पर जाना पड़ता है। वो टूर 3-4 दिनों की थी, लेकिन तारक जब भी बाहर जाता है मऊ को घर में लॉक करके जाता है, क्योंकि उसे मऊ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तारक जा रहा है ये सुनकर मऊ बहुत खुश होती है। तारक अपने घर को लॉक करता है और उसकी चाबी बाजू में रह रही उसकी मौसी को दे देता है और उनसे कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही दरवाजा खोलना। तारक के जाने से मऊ बहुत खुश थी। मऊ की सास कहती है कि उसे पता है तारक के जाने के बाद घर में लड़के आते हैं, लेकिन मऊ उन्हें कहती है कि वो लड़कों की आवाज नहीं होती बल्कि टीवी की आवाज होती है। ये कहकर वो टीवी ऑन कर देती है, जिसके बाद मऊ अपने रूम में जाती है और अपना मोबाइल जो उसने छुपा कर रखा था वो निकालती है। मऊ सोच रही थी कि वो आज किसको कॉल करे। वो सबसे पहले एक बंदे को कॉल करती है, लेकिन वो बिजी था। ऐसे ही मऊ 4-5 लोगों को कॉल करती है, लेकिन सभी लोग बिजी थे। लास्ट में बिमल नाम के एक बंदे को कॉल करती है जो फ्री था। वो मऊ से कहता है कि वो आ रहा है, जिसके बाद मऊ अच्छे से रेडी हो जाती है और अपने रूम को भी सजाती है। जितने भी लोगों को मऊ ने कॉल किया था उन सब के पास मऊ की डुप्लीकेट चावी थी। बिमल के पास भी थी, तो वो चावी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो आते हुए मऊ के लिए बिरयानी लेकर आया था और दोनों बिरयानी खाते हुए रोमांस करते हैं। बिमल मऊ को बताता है कि वो कल दूसरे शहर जा रहा है। मऊ उससे जाने का रीजन पूछती है, लेकिन बिमल कुछ भी नहीं बताता। बिमल जब कपड़े पहन रहा था तो मऊ को उसके पॉकेट में लॉटरी का टिकट दिखाई देता है। मऊ समझ जाती है कि बिमल को लॉटरी लगी है जो 1.5 करोड़ रुपए की थी। ये देखकर मऊ बिमल से कहने लगती है कि वो उसे अपने साथ भगाकर ले जाए, लेकिन बिमल हंसने लगता है और कहता है कि मऊ सिर्फ टाइम पास की चीज है, उसकी जैसी औरत को वो अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकता। ये बात सुनकर मऊ उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि बिमल उससे पहले कहा करता था कि अगर उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो मऊ को लेकर भाग जाएगा और तारक के कैद से उसे आजादी दिलवाएगा। दोनों झगड़ने लगते हैं और उसी चक्कर में मऊ बिमल को धक्का देती है और उसका सर जाकर बेड पर लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मऊ ये देखकर डर जाती है, तभी उसे एक और झटका लगता है। उसकी सास भी मर चुकी थी। मऊ समझ नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करे। तभी वहां पर पुल्टो आता है, जिसे मऊ ने सबसे पहले कॉल किया था। पुल्टो बिमल की लाश देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मऊ उसे कहती है कि अगर वो यहां से भाग गया तो वो सबको यही बताएगी कि पुल्टो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और इसी चक्कर में उसने बिमल को भी मार दिया। पुल्टो इससे डर जाता है तो मऊ उसे सेड्यूस करती है और उसे 5 लाख रुपए का ऑफर देती है, जिससे पुल्टो उसकी बात मान जाता है। मऊ उसे कहती है कि वो बिमल की लाश को तालाब में जाकर फेंके। लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों ही यहाँ से भाग जाएंगे। पलटू भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन पलटू कहता है कि लाश ले जाने के लिए उन्हें लट्टू को बुलाना होगा, क्योंकि लट्टू के पास टैक्सी थी जिसकी मदद से वो लाश को लेक में फेंक कर आ सकते हैं। जिसके बाद मऊ लट्टू को कॉल करती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो लट्टू से कहती है कि वो तारक से तंग आ गई है और वो अपने घर जाना चाहती है, इसलिए उसे लेने के लिए वो जल्द से जल आ जाए। लट्टू ये सुनते ही मऊ के घर पर आ जाता है टैक्सी लेकर। तभी लाइट चली जाती है और अंधेरे में पलटू बिमलदा की बॉडी की जगह मऊ की सास की बॉडी ले जाता है। वो लट्टू से कहता है कि सबसे पहले मऊ अपना सामान भेजेगी, फिर वो खुद जाएगी। लट्टू भी उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ मऊ के मायके जाने लगता है। पलटू उसे लेक से थोड़ा आगे रोकता है और बॉडी ले जाकर लेक में फेंकता है। लट्टू को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था। पलटू जब बॉडी लेकर जा रहा था तब उसमें से लॉटरी की टिकट गिरी थी, जिसे लट्टू उठा लेता है।
एक्चुअली मऊ ने अपनी सास की ब्लाउज में लॉटरी की टिकट छुपाई थी ताकि किसी को डाउट ना हो, लेकिन अब वो टिकट लट्टू के पास आ गई थी। तभी मऊ के घर में राजू आ जाता है, जिसे भी मऊ ने कॉल किया था। राजू पूरा ड्रिंक करके आया था और वो कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा था। मऊ उससे परेशान हो जाती है और उसे बेहोश करके बेड के नीचे रख देती है। तब मऊ को पता चलता है कि बिमल की बॉडी अभी भी घर में ही है और पलटू उसके सास की बॉडी लेकर गया है। वो पलटू को कॉल करने ही वाली थी कि तभी मौसी आ जाती है। उन्हें बार बार मऊ के घर से आवाजें आ रही थी, इसलिए वो चेक करने के लिए आई थी। मौसी के घर की लाइट चली गई थी, इसलिए वो मऊ के रूम में ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद मऊ वॉशरूम में जाकर पलटू को कॉल करने लगती है कि वो गलत बॉडी लेकर गया है। मौसी उसकी बातें सुनने के लिए आ ही रही थी कि तभी राजू को होश आ जाता है और वो मौसी को तारक समझकर उसे बेहोश कर देता है। वो मौसी को बेड पर लिटा देता है और खुद जाकर मऊ के बेडरूम में सो जाता है। तभी वहां पर पलटू आता है और फिर से वो विमलदा की बॉडी की जगह मौसी को उठा कर ले जाता है। पलटू के जाने के बाद मऊ जब मौसी को देखने जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो मौसी नहीं बल्कि राजू है। वो राजू को कहती है कि उसने नशे में विमलदा को मार दिया। राजू को भी यकीन हो जाता है और वो रोने लगता है, लेकिन मऊ उसे भी अपने बातों में ले लेती है और उसे कहती है कि विमल की लाश को उन्हें ठिकाने लगाना होगा। राजू भी इस बात के लिए मान जाता है और वो विमल की लाश को पैक करते हैं। बातों ही बातों में मऊ के मुंह से निकल जाता है कि पता नहीं और कितनी लाशें जाएंगी। ये सुनकर राजू को उस पर डाउट आता है। तभी मऊ को आवाज आती है कि कोई फिर से ताला खोल रहा है। वो राजू को छुपने के लिए कहती है और खुद बाहर देखने के लिए जाती है। राजू समझ गया था कि यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहता था। इसलिए वो ये प्लान बनाता है कि वो विमल की बॉडी की जगह छुप जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि मऊ सबसे पहले इस बॉडी को ही बाहर निकालेगी। इसलिए वो विमल की बॉडी की जगह छुप जाता है। मऊ बाहर देखती है तो बाहर लट्टू आया था। एक्चुअली लट्टू ने पलटू को लेक में ढकेल दिया था, क्योंकि उसे मऊ और उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। इसलिए लट्टू अब मऊ से कहता है कि उसके पास लॉटरी की टिकट है, इसलिए वो दोनों यहाँ से भाग जाए। लेकिन मऊ उसके साथ भागना नहीं चाहती थी। लट्टू उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर और एक बंदा आता है। इसका नाम मुझे नहीं पता, इसलिए हम इसका नाम शांतनु रखते हैं। शांतनु को भी मऊ ने ही कॉल किया था। शांतनु को वहां देखकर मऊ चोर चोर चिल्लाने लगती है और शांतनु लट्टू को चोर समझकर उसे बेहोश कर देता है। लट्टू बेहोश होने से पहले विमलदा का नाम लेता है, जिससे शांतनु को लगता है कि विमलदा अभी भी घर में ही है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। उसे बेड पर कोई लेटा हुआ दिखाई देता है और उसे लगता है कि ये विमलदा ही है, लेकिन एक्चुअली वहां पर राजू छुपा था। वो उसे विमलदा समझकर पीटने लगता है और राजू बेहोश हो जाता है। ये सब जब चल रहा था, मऊ मौके का फायदा उठाकर लट्टू के पास जो उसकी लॉटरी की टिकट थी वो ले लेती है। लेकिन तभी मऊ के हाथ से एक चोर जो मऊ के घर में घुसा था वो भी टिकट छीन लेता है। मऊ चोर को देख लेती है, लेकिन डिसाइड करती है कि वो पहले शांतनु को घर से निकालेगी, फिर वो चोर को देखेगी। वो शांतनु से कहती है कि जल्द से जल्द विमल की बॉडी को ठिकाने लगाए, उसे लेक पर फेंक कर आए। तभी लट्टू को होश आ रहा था और वो कुछ भी बड़बड़ा रहा था। एक्चुअली लट्टू के जब सर में चोट लगती है तो वो कुछ टाइम के लिए पागल हो जाता है। शांतनु से कहता है कि विमल की बॉडी को उन्हें ठिकाना लगाना होगा, इसलिए वो लट्टू के साथ लेक पर जाने लगता है। वो लोग जब बाहर निकल रहे थे, मौके का फायदा उठाकर चोर भी वहां से बाहर निकलता है। बाहर शांतनु की रिक्शा थी तो चोर उसी को लेकर भागने लगता है। जब शांतनु और लट्टू लेक के पास जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में चोर दिखाई देता है। वो चोर को रोकते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तभी चोर के पॉकेट से लॉटरी की टिकट वहीं पर गिर जाती है और चोर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद शांतनु और लट्टू लेक के पास जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं पलटू लेक में से वापस आ रहा था और उसे रास्ते में वही लॉटरी की टिकट मिलती है। वो बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि तारक कोई टूर पर नहीं गया था, वो एक्चुअली एक औरत को लेकर किसी लॉज में गया था। वहीं पर उसका हस्बैंड आ जाता है। उसका हस्बैंड एक गुंडा था जो तारक को बहुत पीटता है। वो तारक से कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे 50 लाख रुपए देने होंगे। तारक ये सुनकर ही डर गया था कि 50 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगा। वो टैक्सी पकड़ कर अपने घर आ रहा था और आते वक्त उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट पुल्टो से हो जाता है। पुल्टो वहां पर बेहोश हो जाता है
और तारक देखता है कि पुल्टो के हाथ में 1.5 करोड़ का टिकट है और पुल्टो जिस तरह से नाच रहा था, तारक समझ जाता है कि उसे लॉटरी लगी थी, जिसके बाद तारक वो लॉटरी का टिकट लेकर अपने घर के लिए निकलता है। तभी हम देखते हैं लट्टू और शांतनु जब बॉडी को फेंक रहे थे तो उसके अंदर से बचाव करके आवाज आती है, क्योंकि ब्लैंकेट के अंदर तो राजू ही छुपा हुआ था। मऊ को भी पता चलता है कि अभी भी बिमलदा की लाश घर पर ही है। शांतनु जाते वक्त घर को बाहर से लॉक करके गया था, इसलिए मऊ डिसाइड करती है कि वो बिमल के बॉडी को टेरेस पर ले जाएगी और वहां से वो नीचे भेजेगी। इस तरह बिमल की बॉडी उसके घर के बाहर तो चली जाएगी। वो जब ये सब कुछ कर रही थी तभी वहां पर शंकु भी आ जाता है, जो विमल की बॉडी को देखकर डर जाता है और घर से भाग जाने की कोशिश करता है। वो जब घर के बाहर जाता है तो उसे वही लोग दिखाई देते हैं जो तारक को मारने के लिए आए थे। एक्चुअली वो तारक से 50 लाख रुपए लेने के लिए उसके घर पर आए थे। वो शंकु को अंदर लेकर जाते हैं और तारक आने तक छुपने के लिए कहते हैं उनके साथ। तो वही मऊ किसी तरह विमल की बॉडी को टेरेस पर लेकर जाती है और सीढ़ी की मदद से उसे घर के बाहर भेज देती है। जैसे ही बिमल की बॉडी नीचे आती है तभी वहां पर तारक आता है। तारक समझ जाता है कि बिमल यहाँ किस लिए आया था, इसलिए वो बिमल को मारने लगता है। लेकिन बाद में बिमल जब गिर जाता है तब उसे समझ आता है कि बिमल मर चुका है। तो वही मऊ चिल्लाने लगती है कि तारक ने बिमल को मार दिया। मऊ कहती है कि वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता देगी कि तारक ने बिमल को मार दिया। तारक उसे रोकने के लिए घर के अंदर आता है तो वहां पर वो लोग छुपे हुए थे जो तारक को मारना चाहते थे। तारक उन्हें कहता है कि 50 लाख के बदले वो लोग मऊ को ले जा सकते हैं, लेकिन वो आदमी थरकी नहीं थे और वो तारक को ही पीटने लगते हैं। तारक उन्हें कहता है कि उसके पास 1.5 करोड़ की लॉटरी है। जैसे ही सबको पता चलता है कि लॉटरी की टिकट तारक के पास है, सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं शंकु जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, उसकी वाइफ वहां पर आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शंकु किसके पास आया है। अब तक सुबह हो चुकी थी और सब लोग टिकट के पीछे भाग रहे थे, कभी टिकट इसके पास आती तो कभी उसके पास। मऊ किसी तरह एक आदमी को सेड्यूस करके उसके पास से टिकट ले लेती है और एक टेम्पो में चढ़ जाती है। टेम्पो बहुत ज्यादा स्पीड में था और उसके नीचे पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से टेम्पो हिलता है और मऊ के हाथ से टिकट उड़ जाती है और वो टिकट उड़ के एक भिखारी के पास चली जाती है। टेम्पो रुकता नहीं और मऊ आगे चली जाती है। तो वही भिखारी टिकट देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो नाचने लगता है, और बाकी सारे लोग टिकट को यहाँ वहाँ ही ढूंढ रहे थे। तो वही जिन लोगों को तालाब में फेंका गया था वो सब तालाब से बाहर आ गए थे, क्योंकि तालाब में से पानी को निकाला गया था ताकि तालाब क्लीन कर सके। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मऊ के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।